हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और मैंने आज योगा किया है और मैं अब रेगुलर योगा करना शुरू कर रही हूँ। और पता है काफी रिलीफ है अगर आप योगा करना शुरू करते हैं, बट आपके आसपास किसी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे आसपास राजा थे तो आपको बैठने उठने में प्रॉब्लम नहीं हो, और डॉक्टर अगर आपको अलाउ करते हैं तो आपको करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना है। तो अभी मैंने शुरुआत करी है और काफी ज्यादा रिलीफ है मुझे। बैक पेन और लेग पेन और बहुत सारे क्रैम्प इधर उधर बहुत सी चीज़ें हो रही थी और वो स्टिल होती रहती है, बट इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो मैंने शुरुआत तो कर दी है, अब मैं डेली शाम को करना शुरू करूंगी, क्योंकि शाम मेरे लिए परफेक्ट है। मुझे सुबह सुबह नहीं हो पाता, सुबह सुबह मेरे को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील होती है इसीलिए। और अब मैं कुछ खाने के लिए बनाना चाहती हूँ कि मैं कुछ खा लूँ और राजा को कुछ खा लें। भूख टाइप की लग रही है और पेट पूजा करना बहुत जरूरी है, तो चलिए चलते हैं। तो भिंडी मैंने ना धो के रख दी थी, आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी, गर्मा भिंडी मतलब मसाला डाल के। और यार सब्जियां समझ में ही नहीं आ रही कि क्या बनाओ क्या नहीं बनाओ। ये मेरे इमली के चावल रखे हुए हैं और इमली के चावलों को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बट खाने का मन नहीं कर रहा है मेरे। मसाला भिंडी राजा जो है वो भिंडी के इतने लवर नहीं है, यहाँ पर सब्जियां नहीं आ रही। बैंगन आ रहे हैं ठीक है, करेला आ रहा है, लौकी ये खाते नहीं है, तुरई ये खाते नहीं है, और वो टिंडा, टिंडा से सबसे छिपता मुझे टिंडा नहीं खा सकता, तो टिंडा नहीं खा रहे हैं। और पम्पकिन अभी खाया था, सब्जी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ठीक है, दालें इतनी कंज्यूम करना अच्छा भी नहीं, मतलब दालें इतनी कंज्यूम हो नहीं पाती है कि दालें खाएं, तो इसे बनाएंगे। पर उससे पहले कुछ छोटा सा इंस्टेंट मैं खा लेती हूँ, क्योंकि आफ्टर डूइंग योगा मुझे लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है और हर दो दो घंटे में अब खाने की जरूरत पड़ रही है। मैं आप लोगों से बोल रही थी कि स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपको पता नहीं चलेगा इतना, फिर उसके बाद से आपको लगेगा कि हाँ यार दो दो तीन तीन घंटे में आपको भूख लगने लगी, क्योंकि आप इतना नहीं खा पाते हो एक बार में। अरे थोड़ा सा दूध दे दो, आलू फ्राई कर दो ना जो मसाले में। ये बन गई मेरी मूसली और ना इसमें अभी थोड़ा सा दूध मैंने गर्म करके डाला है। मैं तो शुगर ऐड नहीं करती, क्योंकि मुझे शुगर दूध में बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर मैं प्रोटीन मिल्क भी ले रही हूँ या बॉर्नविटा वाला भी ले रही हूँ तो उसमें नो शुगर लेकिन बिल्कुल नहीं पसंद है। इसमें ना फ्रूट्स रहते तो ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको हल्की सी शुगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं। आलू फ्राई और बना दूंगी, क्योंकि घर को भिंडी ज़रूर पसंद आएगी मुझे पता है। तो चलिए आपको जल्दी से जो रेसिपी है वो दिखा देती हूँ। तो रेसिपी के लिए हमको कुछ मसाले हैं जो ग्राइंड करने हैं। सबसे पहले तो आपको चाहिए है इसके लिए सौंफ, और मैं थोड़ा कैमरा ऐसे कर देती हूँ ठीक है ना। तो ये जार ना काफी पुराना हो गया और थोड़ा सा येलोइश हो गया, क्या हो सकता है। आपको पता है मेरी मिक्सी खराब हो गई है जो जिससे मैं अपना आटा पीसती थी, उसका खुलने वाला है ना 17 को खुलना है, कल थोड़ी ना 17 है। तो यहाँ पे मैं ना सॉफ्ट डाल रही हूँ, तो करीबन 1 चम्मच के अराउंड जो है वो सॉफ्ट है इसमें। लाल मिर्ची 1 चम्मच, थोड़ी भिंडी एक्स्ट्रा है थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। मसाले अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच धनिया पाउडर। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार, मतलब सब कुछ स्वाद अनुसार ही डाला हुआ है इसमें। ये गया अमचूर, गरम मसाला। तो मुझसे ना कुछ लोग बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट क्यों डालती हूँ, कई बार एक्स्ट्रा हो जाए या कुछ हो जाए, तो पता नहीं यार मुझे अंदाजा है, मेरा कभी भी ना कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं हुआ है, टच हो रहा है। ये हो गया है पूरा मसाले की तैयारी ठीक है ना। इसमें डाल दिए गए सारे मसाले और अब हम इसे एक बार चलाएंगे मिक्सी में, ताकि अच्छे से मिल जाए और जो सॉफ्ट है वो अच्छे से पिस जाए। ये हो गया है मसाला डन, और अब हम इसमें ना 1.5 चम्मच ऑयल मिलाएंगे ताकि थोड़ा सा बाइंड हो जाए।
ये देखिए, ये हो गई है भिंडी तैयार। इसे मैंने फ्राई कर दिया था, बहुत ही लो ऑयल में की है, बहुत ही अच्छी बनी होगी ये, अभी तो नहीं बता सकती मैं। और ये हो गए हमारे, दिखाती हूँ आपको, ये हो गए हमारे आलू भी रेडी। इसमें मसाला डाल देती हूँ चाट मसाला, तो ये ना काफी अच्छे लगते हैं। तो ये डाल रहे हैं आलू और प्याज। कम हुआ है शायद, हुआ है ना थोड़ा, हाँ कम हुआ है थोड़ा ना, है लेकिन कम हुआ है, पहले से कम हुआ है, पहले से कम हुआ। नो 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 नो, बैक मत दिखाओ, अच्छा ही दिख रहा है। नो नो नो, बैक मत दिखाओ, जाओ दोदू 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 दोदू। ये बैठ गया। तो कल आई थिंक मैंने रात में जो भी किया है वो किया है, उसके बाद से आज शाम हो गई है और व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है। क्या तुम बताना चाहते हो कि इतना प्यार आ गया कि तुम मुझसे भिड़के बैठ गए? अच्छा एसी चलाऊं? एसी चला दो क्या? अभी एसी के लिए मुझे उठना पड़ेगा, मैं उठ नहीं पाऊंगी। देखो यहाँ पे धड़कन हुई एकदम से, किसी किसी को मेरा पेट हिलता हुआ दिखा एकदम से, बोझों के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब किक्स लगती है। बोलते हैं बोझों को हटाओ, अभी बंद हो गई। कल के बाद आज व्लॉग, मतलब कि मैं शाम तक व्लॉग नहीं कर पाई, और रीज़न था उसके पीछे राजा। तो राजा को ना आई थिंक स्टोन पेन हो रहा है। तो जब हम 2017 में इनको अल्सर हुआ था, तो अल्सर का पेन भी वही था और अभी स्टोन पेन भी वही है, बट ये एक रोटेटिंग पेन है जो कि राजा कब से चल रहा है यार? कल सुबह से शुरू हुआ है ना, 24 घंटे होते हैं। हाँ, तो एसी का रिमोट तो हमें भी चाहिए, कहाँ रखा है एसी का रिमोट? देखो राजा कहाँ है, वहाँ रखा है। पूरा रूम इतना मेसी हो रहा है ना, क्या फिर उठा? हाँ क्या हुआ है राजा? जो है ना उनको कल से पेन शुरू हुआ था और कंटिन्यूसली, पहले था ऐसे खिंच खिंच के दुख रहा था, मतलब रुक रुक के दुख रहा था, और उसके बाद फिर कंटिन्यूसली जो पेन है वो अभी तक बना हुआ था। फिर जाके मेडिसिन लेके आए, मुझे कई बार लगा बीच में कि मैं मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर देती हूँ, फिर मेरे को लगा मम्मी पापा को इन्फॉर्म करने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि पापा अभी कहीं जा नहीं रहे। पापा को रीटेस्ट कराना है, पापा मम्मी टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, पता नहीं, बात करती हूँ उनसे। वही लग रहा था कि इनका पेन ना बढ़ जाए, तो इनको ना रात भर पेन हुआ है और बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। मुझसे कह रहे थे कि सो नहीं पाऊंगा, तो फिर मैंने इन्हें गैस की दवाई भी दी कि चलो यार एक बार गैस्ट्रिक का पेन हो, पर गैस्ट्रिक का नहीं है वो, मेरे को स्टोन ही का लग रहा है। क्योंकि एक बार मुझे सेम जगह पे पेन हुआ था और मुझे हल्की सी स्वेलिंग आ गई थी रिब्स के नीचे, और जब मैंने कराया था टेस्ट तो मुझे किडनी स्टोन आया था और मेरा 4 mm समथिंग का था, और उसके बाद से एक हफ्ते में ट्रीट हो गया था वो, मतलब ठीक हो गया था, करा दिया था डॉक्टर ट्रीटमेंट, उन्होंने एक हफ्ते की दवाई दी थी। एंड आजकल क्या होता है, जो स्टोन की वो रहती है, अगर आपको स्टोन है तो एलोपैथिक, लाइक होम्योपैथिक भी कराते हैं कुछ लोग, एलोपैथिक भी कराते हैं, तो मैंने उस टाइम एलोपैथिक ही कराई थी जो कि नॉर्मल दवाइयाँ चलती है, और उससे एक हफ्ते के अंदर अंदर जो पूरा स्टोन था, क्योंकि उसके बाद फिर एक और सोनोग्राफी होती है, एक एक्सरे भी होता है, तो वो कराया था, तो मेरा स्टोन की जो वो थी वो चली गई थी, तो मेरा स्टोन हो गया था उस टाइम पर, काफ़ी ज़्यादा पेन था। और अब मैं इनसे कह रही हूँ कि चल के हम एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, मेरे से बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ और तुम मत जाना, पर मेरे को यही लग रहा है कि पेन में किस तरह से जाएंगे। पर अभी थोड़ा सा रिलीफ हुआ है, इन्हें मेडिसिन दी है, मेडिसिन लेके आ गए थे हम लोग, एक हम पुदीन हरा लेके आ गए थे, या स्टोन की दवाई तो नहीं लेके आए क्योंकि स्टोन की दवाई आप खुद तो खाओगे नहीं, ये पानी नहीं पीते हैं, ये जूस नहीं पीते हो, तुम कुछ नहीं पीते हो, इसलिए भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना पानी पियो, तो ये सब प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली पेट जो है वो सेफ वाटर ड्रिंक बियर, और बियर अभी मिल नहीं रही है दुकानें बंद है। बियर से होती है आई थिंक ट्रीटमेंट ना, स्टोन की सुनी है बियर, पहले भी बोला था, बोल रहा कि आप पूछा था उसने, बट आई थिंक मेडिसिन बेस्ट होती है, नहीं बोलता कि आप ना 2-3 दिन में एक बियर पीना चालू करो, नहीं बट बेस्ट है मेडिसिन करा लो यार, कौन बियर शेयर पिए, मोटे हो जाओगे बियर पियोगे तो, और कितना मोटा होना बाकी है बताओ। मैं 2 दिन एक्सरसाइज निकाली, मैंने सब वीडियोस निकाली, उनको पेन ही बना हुआ है, मैंने तो योगा कर लिया था, फिर मैंने आज सुबह भी योगा कर लिया, और अब कर लूं क्या? नहीं दर्द में नहीं करो यार, अभी थोड़ा बहुत ठीक हुआ है दवाई के बाद, तो पेन कलर का ही असर है, अगर फिर से होता तो पेन कलर मैं दोबारा नहीं दूंगी। 2017 की बात है, इनका ऑफिस जला था, वर्स्ट ईयर हम लोगों की लाइफ का था 2017, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे हेल्थ वाइज हो या कुछ भी हो, तो 2017 में इनका जो ऑफिस था वो अप्रैल में जला था, और उसी के लाइक वो जला था आग लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था बाजू वाली शॉप पे, और बाजू वाली शॉप पे कुछ नहीं हुआ, वहां से शॉर्ट सर्किट था, वो इनके ऑफिस तक पूरी जो आग थी, मतलब देखा लोगों ने, और उस टाइम पे उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया, हमें बहुत टाइम लगे, हम लोग उस टाइम पे इंडियन कॉफी हाउस में थे, तो वो फ्राइडे की बात थी।
ठीक है, तो फ्राइडे को ये हुआ है और हम लोग गए थे, पूरा जो ऑफिस था ना वो ऊपर से जल चुका था पूरा, मतलब अंदर घुसते ही गर्मी सी लगती थी, सब कुछ जल गया था, लैपटॉप सारे जो इक्विपमेंट्स थे सब कुछ लाइक कुछ बचा नहीं था वहाँ पे, एक चीज़ नहीं बची थी, एक पेपर वगैरह। और बस लक ये था कि उस टाइम वहाँ पे कैश नहीं था, वरना कैश भी जल जाता। तो हम इंडियन कॉफी हाउस से भग के आए थे, याद है कि जल्दी जल्दी ड्राइव करके, और उसके बाद जब कभी तो हमने ऑर्डर दे दिया था और फिर हम भग के आ गए थे वहाँ से। उसके बाद फिर फ्राइडे को ये हुआ था, सैटरडे को हम लोग थोड़ा सा था टेंशन हो रही थी कि यार क्या करेंगे, तो इन्होंने बोला चलो कुछ भी देखते हैं हम दोबारा से सब कुछ सेटअप होगा, तब दूसरा ऑफिस खोला था। तो ना उसके बाद फिर हम लोगों ने उसी दिन सैटरडे की रात थी वो, और बहुत ही मनहूस रात थी शायद उसी के कारण जो हुआ था वो हुआ था। फिर सैटरडे को हम लोग पिज़्ज़ा हट गए, सोचिए ऑफिस जलने के बाद भी हम पिज़्ज़ा हट गए थे, और पिज़्ज़ा हट गए कि चलो थोड़ा मूड रिलैक्स करके देखते जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो पिज़्ज़ा हट में इनने बहुत सारी चिली फ्लेक्स डाली एंड जो पिज़्ज़ा था वो खा लिया। संडे की सुबह है 9 बजे, ये तड़प तड़प के घूम रहे थे घर में, बहुत हल्ला मचा के बहुत वो हो रहा था, फिर बहुत शोर मचाया और मतलब कि इन्हें दर्द बहुत तेज हो रहा था, वही लेफ्ट साइड का पेन था और वो था। पर उस टाइम कोरोना नाम की कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती थी, तो डॉक्टर का एक्सेस बहुत ज़्यादा सिंपल था। हम लोगों के कॉलोनी में एक डॉक्टर रहते हैं MBBS डॉक्टर, और MBBS ही थे ना वो, उन्हें हमने बुलाया, उन्हें एक पेन किलर का इंजेक्शन दिया है। राजा इस हालत में हुए उस टाइम पे कि हम लोग डॉक्टर के पास जा पाते, बाई लक उस टाइम पे मम्मी पापा घर पे थे, तो पापा मम्मी मैं राजा हम चारों गए डॉक्टर के पास, उनने एंडोस्कोपी की थी, वो जो अंदर डालते बल्ब वगैरह, याद है कितना बुरा एक्सपीरियंस था ना वो, ठीक है। और मेरी हालत ऐसी थी, हम लोग के बाजू वाले नेबर वगैरह, नेबर भी गए थे, अंकल भी गए थे ना, हाँ नेबर भी गए थे, और मेरी हालत ऐसी थी उस टाइम मैं प्रेगनेंट थी, 2 या 2.25 महीना मेरा चल रहा था, बहुत नॉर्मल बहुत अच्छी प्रेगनेंसी थी वो, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थे हम लोग। और मैं वही पूछ रही थी सबसे कि यार कि मतलब कि सही हैं सही हैं सही हैं, क्योंकि आपके हस्बैंड की एकदम तबीयत खराब हुई, दर्द हुआ था। बाद में उन्हें बोला कि इन्हें अल्सर है, अल्सर पे इन्हें कुछ मिर्च का कुछ खाया है तो उससे ब्लीडिंग हो गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो वो मिर्ची की चिली फ्लेक्स से हो गई थी वो ब्लीडिंग। तो उसके बाद ये एडमिट रहे वहाँ पे, इनके साथ मैं भी थी और मैं उस टाइम पे प्रेगनेंट थी, मैं आपको बता रही हूँ। और 4-5 दिन ये एडमिट रहे हैं, और उसी बीच में भागा दौड़ी बहुत हो रही थी, मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, मेरा मिसकैरेज हुआ, मैं वही बोल रही हूँ 2017 बहुत गंदा था, तो इन हॉस्पिटल ही रात को मेरा मिसकैरेज था, वो हो गया था वहाँ पे, और इनका जो था वो चल ही रहा था पेन का था, और इनको ड्रिप लगती थी सुबह शाम, और फिर भी हम लोग बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश करते थे। ऑफिस टाइम पे चला पड़ा था, ऑफिस का कुछ काम ही नहीं हो रहा था क्योंकि ऑफिस तो चला पड़ा था। फिर उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर डिस्चार्ज हुए हैं मम्मी पापा, फिर चले गए थे ढिंडोरी, और फिर इनका जो दर्द था वो बीच में 1-2 बार उठा, फिर वो सही हो गया, मतलब मम्मी पापा हाँ उस टाइम सैटरडे संडे आते थे ना, वही पहले वीकेंड पे आते थे तो वो आए हुए थे उस टाइम, बाई लक कहते हैं ना, तो इनको वही दर्द उठ रहा था, तो मेरे को लग रहा था कि मम्मी पापा को कॉल करके बोल देती हूँ यार दर्द हो रहा है, तो फिर मेरे को लगा कि उनको पैनिक करने से अच्छा है कि एक बार देखते हैं कि रुक रहा है नहीं रुक रहा है, तो अभी तक नहीं रुका है, बस हाँ इन्हें पेन किलर देके रखी है। और ये मेरे को लग रहा है उसी टाइम पे जब अल्सर का हुआ था उसी टाइम पे बहुत सारी सोनोग्राफी हुई थी इनकी, और एक्सरे नहीं हुआ था सोनोग्राफी हुई थी, उसमें किडनी में 2 mm का स्टोन आया था, तो डॉक्टर ने बोला था कि कोई इशू नहीं है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा, पर अब मुझे वही लग रहा है कि इनको ना काफ़ी वो हो रहा है, और ये पानी पीते नहीं हैं, ये ऐसे बंदे हैं जो बहुत कम पानी पीते हैं, इन्हें अगर मैं बॉटल दूंगी तो एक घूट ये पियेंगे, एक घूट ये निकाल देते हैं जाके वॉश बेसिन पे, बस हो गया। तो वही था, तो हम लोग का पूरा जो रात थी वो दर्द में, इनके दर्द में हुई है, कि मुझे पक्की श्योरिटी है क्योंकि इनको ना ये जो पेन है वो रेडिएट हो गया इनके नीचे तक, मतलब लोअर पेल्विक एरिया, स्टोनी का लग रहा है, तो यार देखते हैं अगर नहीं होता है तो 1-2 दिन के अंदर अंदर में ही मैं जाऊंगी इनके साथ, क्योंकि मम्मी पापा का जब तक टेस्ट नहीं हो रहा, वो रीटेस्ट उनका पता नहीं कब होना है यार, उनने कहा था कि मेडिसिन बंद होने के 15 दिन बाद, तो 15 मई तक हो जाना चाहिए था, है ना, 20 मई तक होना चाहिए, तो उनका भी होगा, तो फिर मैं ही जाऊंगी इनके साथ, क्योंकि यार अब इनको मेरे को देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि अब मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, मेरा बोलो तुम चले जाओगे क्या, नहीं जाऊंगे मैं, चला जाऊंगा, एक टिक्की बोन एक अंडा दे देना और 4 आलू पोटैटो, मैं पोटैटो यहाँ से उठा था यहाँ पे गया और फिर ये मिडल में आके बीच में चला गया, लेकिन अभी थोड़ा कम है क्योंकि मैंने पेन किलर खाई है, हो जाएगा। खाने में अपने बाहर का खाया है नहीं, बाहर का मैंने खाया नहीं, अभी बंद पड़ा हुआ है जो मेटो वगैरह से ऑर्डर नहीं करते, तो इसलिए आपके लिए आज करेले बनेंगे। करेला कैसे पड़म्बा।
ऐसे कैसे पड़म्बा नहीं आ रही है जिंदगी, ऐसा पड़े रहो जिंदगी झंडवा फिर भी। मैं राजा से कह रही थी इस लॉकडाउन में सबकी बॉडी में जंग लग गया, पता नहीं कहाँ का दर्द नहीं होना है जो वो दर्द होने वाला। मैं बना रही हूँ भरवा करेला, तो कल मैंने बनाई थी भरवा भिंडी, आज बना रही हूँ भरवा करेला। तो यहाँ मैंने ना ये गैस पे रख दिया, आपके पास छन्नी हो ना तो बहुत अच्छा है, बस लोहे की छन्नी नहीं है, सॉरी लोहे की नहीं स्टील की छन्नी नहीं है। और यहाँ पे मैं करेले रख रही हूँ, तो करेलों में ना मैंने नमक लगा के रख दिया था और इसके जो बीज है वो पूरे निकाल के रखे हुए हैं, तो इसे ना थोड़ी देर के लिए मैं स्टीम करने के लिए रख रही हूँ, इससे पक जाएंगे उसका थोड़ा कड़वापन है ना वो और निकल जाएगा। तो इसे रखे हुए करीबन एक घंटा हो गया ना, एक घंटा हो गया इसे रखे हुए। चलो इसे कुछ तो स्टीम मिल जाएगी इन बेचारों को। ये चलिए हो रहा है, जब तक तब तक हम मसाले की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बना रहे हैं भरवा करेला। बहुत दिन से मैं प्याज वाले करेले बना रही थी, तो मेरे लिए बनेंगे चने, तो चने मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं तो मैं खाऊंगी चने, और राजा के लिए मैं ये करेले, तो करेले काफी हेल्दी रहते हैं इसीलिए इनके मैं करेले बना रही हूँ। तो ये छिलके जो थे ना इसमें मैंने साथ में नमक डाल के रखा हुआ था, तो इनको भी मैं फटाफट से निचोड़ लेती हूँ ताकि जो कड़वा पानी है वो भी अलग हो जाए। अब हम लोग कुछ मसाले ड्राई रोस्ट कर देते हैं, तो मेरे पास ना सूखे मसाले से ज्यादा है नहीं, लाइक खड़े मसाले नहीं है, तो ना कुछ पिसे मसाले मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ और कुछ खड़े मसाले अपने हिसाब से जो आपको खाने हो। तो जो मैं करने वाली हूँ वही मसाले मेरे पास घर में बचे हैं क्योंकि ये लॉकडाउन लगा हुआ है यहाँ पे, मैं कुछ शॉपिंग करने जा नहीं पा रही हूँ, और जितना कुछ याद आता है वो मैं राजा से मंगवा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डालूंगी सौंफ, तो सौंफ से तो करेला भिंडी इन सब का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और इसमें मैं करीबन 1.5 चम्मच सौंफ डालूंगी। तो जितने करेले मैं ले रही हूँ ना उसके हिसाब से जो स्टफिंग है उसके लिए मसाला ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, और बाद में इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा, धनिया अगर आपके पास खड़ा धनिया है ना तो बहुत अच्छा है, मेरे पास पिसा धनिया है तो मैं इसी को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दूंगी। ये ऑप्शनल है यार, आपको डालना है डालिए, नहीं डालना मत डालिए, मुझे ना अजवाइन थोड़ी अच्छी लगती है करेले के मसाले में, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी मैंने इसमें। और इसमें आप ना मेथी डाल सकते हैं, मेथी दाना हम लोग मेथी दाना बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते, मेरे पास बिल्कुल भी मेथी दाना नहीं है, कलौंजी डाल सकते हैं, तो 2-3 चीज़ें मैंने स्किप करी है वो आप डाल सकते हैं। तो अब इनको मैं ना ड्राई रोस्ट होने देती हूँ, तो इससे जो करेला है ना उसकी मसाले की स्मेल काफ़ी ज़्यादा, लाइक जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ग्राइंडर में डाल के पीस सकते हैं, तो हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, ऑलरेडी धनिया तो पिसा ही हुआ है। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ और लहसुन का भी एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। तो ये लहसुन का जो पेस्ट है ये भी मैंने एकदम फ्रेश तैयार कर लिया है। मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी, थोड़ा सा एकदम, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी और कहते ना एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। करेले भी आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कुक हो गए, इन्हें अराउंड 60-70% गलाऊंगी, तो अभी थोड़े से और कर रही हूँ मैं इसे, फिर से ना कड़वापन निकल जाता है। अगर आपको कड़वे करेले नहीं पसंद, मुझे मतलब करेले में इतना खाती नहीं हूँ तो मेरे को कड़वाहट तो बिल्कुल नहीं पसंद है, इसमें से धुआं आने लगा है और खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है। और अब मैं इसमें डालूंगी अ पिंच ऑफ
हींग आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, पर मेरे को और राजा को हींग से सख्त नफरत है, हम ज़्यादा हींग नहीं खाते हैं, तो इसलिए अब मैंने बहुत कम हींग डाली है। और अब मैं इसमें जो करेले के छिलके हैं उनका पानी मैंने निकाल दिया था वो डाल रही हूँ, और अब हम इसे भूनेंगे। कि चॉप्ड अनियन, ये करीबन 2 अनियन है, एक बड़ी और एक छोटी। अब मैं इसमें जो लहसुन पीसी थी वो डाल दूंगी। एकदम फ्रेश है ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नमक था छिलकों में, एकदम थोड़ा सा, और थोड़ी सी हल्दी। हाँ, हो गए हमारे करेले भी एकदम तैयार, तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ और इसे अब मैं करूँ, ओह माय गॉड ठंडा, ये गर्म हो गया बहुत ज़्यादा, तो इन्हें होने देते हैं हम ठंडा। तो ये हो गया तैयार यहाँ पे। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर और जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट करके पीसे थे वो। के बाद मैं इसमें डालूंगी अमचूर पाउडर। खाना जो है वो फाइनली बन गया है और मेरी हालत हो गई है बैंड, और आपको मैंने करेले दिखा दिए और वो बन गए हैं चने, चने ही बन गए हैं, तो वो चने मैंने अपने लिए बनाए हैं। मैं यहाँ पे करूँगी इस वीडियो को एंड, और मुझे उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। क्या देख के शौक हुए।